खरना के दिन स्कूल खोल दीजिएगा तो सब लड़का तो आ ही जाएगा, सब पढ़ लेगा, आइंस्टाइन बनेगा कि कालिदास। सरकार को छठ में कम से कम 4 दिनों की छुट्टी देनी चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया तो भाजपा को प्रतिकार करना चाहिए। जदयू पार्टी को हम लोग वोट की चोट से समाप्त कर देंगे, या आज सीधी चेतावनी दे रहे हैं। इस बार वोट आपके खिलाफ में हम लोग देंगे। हम लोग भी सारी तैयारी में जुटे हुए हैं। जितना तंग तबाह आप कर रहे हैं एक एक का बदला लेंगे। हमने अभी यही कहा था कि शिक्षक संघ ने जो अपनी मांग रखी है उस पर हम विचार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दीपावली के दिन छुट्टी नहीं दिए। शुरू से हम लोग कहते रहे तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आप प्रकाश से अंधकार की ओर क्यों ले जाना चाहते हैं? दीपावली के दिन छुट्टी दिए कि तमाशा किए हैं? दीपावली के दिन आप छुट्टी दीजिएगा, 31 अक्टूबर को एक दिन की छुट्टी दीजिएगा, तो ये जो लखनऊ से जो ले आए हैं अपने गुरुजनों को, जो लाए हैं आप आगरा से, दिल्ली से, वहां का जो नौजवान है, वहां का जो भाई बंधु है, वहां की जो बहन बेटी है, तो एक दिन में कैसे जाएगी दिल्ली? सबके लिए टिकट कटवा दिए हैं हवाई जहाज का फ्लाइट कि आपको 30 तारीख को ड्यूटी करके और 4:30 बजे के बाद में फ्लाइट पकड़ के और रात में लोग पहुंच जाएंगे और कल में दीपावली मना के और उसके बाद में यहाँ पर चले आएंगे। पूरे बिहार के ऐसे हजारों लोग हैं जो अकेला बैचलर जीवन जीते हैं। ये बैचलर जीवन जीकर शिक्षक की नौकरी करने वाले हमारे तमाम भाइयों बहनों को आप दीपावली से क्यों वंचित करना चाहते हैं? यह है भाजपा के नेता लोग, अगर यही अगर आरजेडी के साथ सरकार रहती तो अभी तक तो आपका पेट गैस से फूल के इतना बाहर आ गया रहता। अभी तक कितना आपको जाइम देना पड़ता और इनो पिलाना पड़ता कि पच जाए बात। आज आप तो भाजपा के लोग हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, तो छठ दीपावली में छुट्टी क्यों कटौती हुई? इसका जवाब दीजिए सम्राट चौधरी, नकली सम्राट। आज जवाब आपको देना होगा। भाजपा का एको नेता के मुंह नहीं खुल रहा है, सबके मुंह पैक हो गया, एकदम सील बंद है, कोई नहीं बोल रहा है। आप छठ और दिवाली में आप बताइए, आपने छुट्टी दी है छठ की, आप 7, 8 और 9 तारीख को छुट्टी दीजिएगा छठ की, 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर। और खरना जो है ये छठ के जो संध्या अर्घ के पहले खरना का जो त्योहार होता है वह 6 तारीख को है। तो जो शिक्षिका छठ करती होगी, जो शिक्षक छठ करते हैं, वे लोग खरना कहाँ मनाएंगे? वो सभी लोग स्कूल में। अरे खरना के दिन तो छुट्टी दे देते, उसके एक दिन पहले नहाए खाए की छुट्टी होनी चाहिए थी, आप वह छुट्टी नहीं दे सके। ये मैं पूछना चाहता हूँ मिस्टर कालिया से कि आप बताइए, आपको किसी पंडित ने, किसी ज्योतिषी ने आपको बताया है क्या कि शुभ मुहूर्त है उस दिन जो बच्चा पढ़ेगा वो सब आइंस्टाइन बन जाएगा? ये खरना के दिन स्कूल खोल दीजिएगा तो सब लड़का तो आ ही जाएगा, सब पढ़ लेगा, आइंस्टाइन बनेगा कि कालिदास, ये भी पहले ही अनाउंस कर देते। 1 लाख शिक्षकों को शिक्षा विभाग तंग तबाह कर रही है। पर्व त्योहार के दिनों में भी उनकी छुट्टियां समाप्त कर दी गई है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं। आप क्या धर्म के साथ खेलना चाहते हैं? ऐसा नहीं चलने दिया जाएगा। शिक्षक भी शांत नहीं है, ये तूफान के पहले की शांति है और 2-4 महीने की बात है ना। लोकतंत्र का महापर्व बिहार में प्रारंभ होने वाला है। जदयू पार्टी को हम लोग वोट की चोट से समाप्त कर देंगे, या आज सीधी चेतावनी दे रहे हैं। जितने भी माननीय मंत्री हैं ना, मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं कैबिनेट में, वह सब भी मूक दर्शक बने हैं ना, तमाशा देख रहे हैं शिक्षकों की परेशानी का। तो आप लोग भी समझ लीजिए, चुनाव मैदान में आइएगा तो आपको 6 लाख शिक्षकों के 40 लाख परिजन के वोट का सामना करना पड़ेगा। और इस बार वोट आपके खिलाफ में हम लोग देंगे। हम लोग भी सारी तैयारी में जुटे हुए हैं। जितना तंग तबाह आप कर रहे हैं एक एक का बदला लेंगे। बीपीएससी से बहाल शिक्षक, आप छुट्टी समाप्त कर दिए, बाढ़ के समय में वो गंगा में बह गया, उसका जवाबदेही कौन लेगा? आपके चलते आज अंधेरा में शिक्षक घर पहुंच रहे हैं। 10 से 3 मुख्यमंत्री जी ने कहा है विद्यालय का समय होगा, तो 10 से 4 3 क्यों नहीं हुआ अभी तक?
आप लोग या अगर सोच रहे हैं कि शिक्षक कमजोर हो गया है, ये बात आप मुगालते में हैं। शिक्षक की ताकत का अंदाजा नहीं है आपको। शिक्षक, सब शिक्षक एकजुट हैं, चाहे बीपीएससी से बहाल हो या पूर्व से बहाल हो या नियमित, सारे लोग आज एकजुट हैं और समय का इंतजार कर रहे हैं। मैं सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी अगर हम लोगों का शक्ति प्रदर्शन चुनाव में देखना चाहते हैं तो आप भी तैयार हो जाइए, अन्यथा अपना ये मौन धारण जो किए हैं उससे बाहर निकलिए। भाजपा कहती है कि सबसे बड़ा सनातनी है, सबसे बड़ा हिंदूवादी है। सबको पता है कि बिहार वासियों के लिए सबसे बड़ा आस्था और पवित्र का त्यौहार छठ व्रत है, और ये कम से कम चार दिनों का होता है। नहाय खाय, खरना, सचिया अर्घ और फुलका अर्घ, और इसमें कम से कम सबको चार दिनों की आवश्यकता होती है। इसलिए सरकार को छठ में कम से कम चार दिनों की छुट्टी देनी चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया तो भाजपा को प्रतिकार करना चाहिए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को प्रतिकार करना चाहिए, और राज्य के लोगों के आस्था को ध्यान में रखते हुए छठ व्रत में चार दिन की छुट्टी करवानी चाहिए। छठ की छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है इस बार। देखिए, हमने अभी यही कहा था कि शिक्षक संघ ने जो अपनी मांग रखी है उस पर हम विचार करेंगे। सर, ये है कि 5 तारीख से छठ पर्व की शुरुआत हो रही है, 5 को नहाए है और 6 को खरना है, और आपने जो छुट्टी दी है वो 7 से दी है सर। नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि उस पर हम विचार करेंगे, हमें अभी जाने दीजिए और उस पर हम विचार करेंगे अपने पदाधिकारियों से, जो उचित होगा हम लोग करेंगे।